हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह का टाइम हो रहा है ये और अभी 4 बज रहे हैं। हम लोग सैरी करने के लिए उठे हैं तो मैंने अपने बेटे को जगा दी हूँ, तो जा रहा है करने ब्रश। और यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। और बाथरूम में इसके अब्बू हैं, देखिए नल चालू करता है और ये गुस्सा करता है कि यहाँ पर पानी ही नहीं आ रही है। और कैसा नींद से बच्चे लोग को जगा दो तो बच्चे और चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर मैं इसको तो बोल देती हूँ, अगर रखना हो तो रखो, लेकिन नखरे मत करो। नहीं रखना है तो भी कोई बात नहीं है, तो फिर चुप हो जाता है। फिर नहीं तो इसके नखरे कुछ ज़्यादा ही। और ये मेरा नुमान सोया हुआ है, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं जगाती हूँ कि अगर ये उठ जाएगा इतने समय फिर ये नहीं सोएगा और सुबह फिर स्कूल भी नहीं जाना हो पाएगा इसका। तो अब ये ढूंढ रहा है पानी यहाँ पे और मैं इसको चिल्ला रही हूँ कि बाथरूम में जाओ। और ये हम सब बैठ गए हैं सैरी करने के लिए। तो सुबह के टाइम सैरी हम लोग ऐसे ही करते हैं, दस्तरखान नहीं लगा पाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोते हैं हॉल में बिस्तरा लगा के। तो मैं सालन और चाय और एक रोटी खा रही हूँ और मैं सादी ही रोटी बनाई हूँ आज। तेल वाली रोटी मेरे यहाँ जल्दी कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए सादा रोटी मेरे यहाँ ज़्यादा ही बनता है। और ये सैरी करने के बाद मेरे बेटे को डेयरी मिल्क खाना है क्योंकि दिन भर तो कुछ खा नहीं पाता है, इसलिए सुबह सुबह सैरी के बाद ये डेयरी मिल्क खा रहा है। 2-3 जो भी इसका दिल करेगा खा लेगा, रात को हिला के रख लेता है ये। और पानी उनी लेकर के बैठा है। तो ये दूसरे दिन शाम की वीडियो है इफ्तारी के बाद वाली। इफ्तारी उफ्तारी मैंने कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी। और ये है सारे बर्तन और पानी नहीं आ रहा था, इसलिए बर्तन ऐसी रखी हूँ मैं। बाकी झाड़ू पोछा का सब कर लूँगी और ये बर्तन अभी 8 बजे पानी आता है उसके बाद ही धुलूँगी मैं। और खाने में बना है दाल चावल और ये सूखा मटन स्टू बनाई हूँ मैंने, क्योंकि रोज़ रोज़ मसाले मसाले खा के एकदम तंग आ चुके हैं। तो आज बना है मटन और इसमें मैंने सब खड़े मसाले डाल के कुकर में 2-3 सीटी लगा दी हूँ, बन के तैयार हो गया है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं और सबसे टेस्टी खाना। तो अभी चलो, पानी आने में थोड़ा सा देरी बाकी है तो मैं धुल लेती हूँ बर्तन। धुलने के बाद फिर देखो पानी भी नहीं आया है अभी तक, नल खोल के देख रही थी मैं वो। और वॉइस ओवर करना पड़ता है मुझे क्योंकि मेरे बिल्डिंग में काम चालू है। देखिए सारा धूल मिट्टी यहाँ पे रोज़ साफ़ होता है और ये रोज़ ऐसे ही आ जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी तो छोड़ दी हूँ मैं, अभी इसको साफ़ नहीं करूँगी। अब जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये साफ़ करूँगी मैं। तो बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चालू है तो दिन भर खिड़की वगैरह सब बंद रहते हैं, कपड़े वगैरह भी हमको घर में ही सुखाने पड़ रहे हैं। तो रोज़ मैं कपड़े भी नहीं धुल रही हूँ, 2-3 दिन के बाद ही धुल रही हूँ कपड़े। और फैला के कुर्सी वगैरह सब पे डाल डाल के। तो ये देखिए फिर नेक्स्ट डे हो गया है, सहरी का टाइम हो रहा है। और रात को ही मैंने आटा गूंथ के रख ली थी और रात को मैं एक बार दूध गर्म कर लेती हूँ, खूब अच्छी तरह से गर्म करती हूँ। मैं 1 घंटे तक का दूध को मतलब 1.5 लीटर का 1 लीटर दूध बना देती हूँ, उसके बाद ही मैं गैस बंद करती हूँ। और यहाँ पे मैं दाल गर्म कर रही हूँ, मेरे बेटे को दाल ही चाहिए, दाल चावल खाता है। और रोटी अगर उसको दे तो 1 रोटी खाने में वो 1 घंटा लगा देगा, इसलिए मैं उसको दाल चावल देती हूँ। तो ये सब तो मैं रात में बना लेती हूँ, इतने समय सिर्फ और सिर्फ मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने तावा रख दी हूँ और मैं 4 बजे ही उठती हूँ, तो 4:15-4:30 तक का हो जाता है। 5 बजे तक हम लोग खा पी के सब हो जाता है। यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी, उसके बाद हम लोग बैठेंगे सहरी करने के लिए। तो ये देखिए आज मैंने कढ़ाई में आटा सूंघ ली थी, प्लेट नहीं मिल रहा था मुझे, पेट मतलब गंदा था तो मैंने इसमें। और ये बन रही है हमारी चाय, तो यहाँ पे ये हम लोग के लिए चाय बना रही हूँ मैं दूध वाली। और यहाँ पे मैंने कर रखी हूँ काली चाय अपने हस्बैंड के लिए। और सबको मैंने जगा दी हूँ, वो लोग अपना ब्रश वगैरह जो भी करना है उनको कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाय में दूध डाल रही हूँ। तो कभी कभी सुबह भी ऐसी भाग दौड़ वाला मौसम बन जाता है ना कि चिल्लाएँ लगते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं है। और हम लोग अपने बेटे को बार बार सुनाते रहते हैं कि मतलब टाइम ज़्यादा नहीं, जल्दी ब्रश करो जल्दी ब्रश करो। तो ये मटन तो मैं खाती नहीं, इसलिए मैं चाय के साथ 1 रोटी खाऊंगी। और मेरे हस्बैंड मुझे चिल्ला रहे हैं कि डाइटिंग कर रही है, तबीयत ख़राब हो जाएगा, बस चाय और मैं 1 रोटी ही खा रही हूँ। और मटन मुझे नहीं पसंद है और दाल चावल मुझे बिल्कुल नहीं खाना है, मैं खा ही नहीं पाऊँगी इतने सुबह सुबह, अभी आदत नहीं लगी है। जब तक आदत लगेगी तब तक रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। और ये फिर ये सोने जा रहा है, तो इसमें पूरी नमाज़ पढ़ के सोना, पर इसको नींद आ रही है तो बोल रहा ठीक है मुझे जगा देना। तो ये अपने अब्बू के साथ नमाज़ पढ़ लेगा, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये सोएगा। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।